तो यार क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस टेक मंगलवार के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 आईपैड फीचर्स या ट्रिक्स के बारे में जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर इसको लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटल योर्स यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डीडी आपका यार और ये है टेक मंगलवार। तो जो सबसे पहला फीचर है वो है कॉपी पेस्ट के बारे में। अगर आप किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं अपने आईफोन पे तो उसको आप पेस्ट कर सकते हैं अपने आईपैड पे। अगर आपका आईफोन और आईपैड कनेक्टेड है सेम एप्पल आईडी के साथ, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ इस फ़ोटो को मेरे आईफोन पे और अब मैं जाऊँगा आईपैड पे फाइल्स के ऐप में और वहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके चूज़ करूँगा ऑप्शन पेस्ट और ये फ़ोटो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाता है मेरे आईपैड पे। अगला फीचर है फ्लोटिंग कीबोर्ड। ये फीचर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैं यहाँ पे नोट्स के ऐप में हूँ और मेरा कीबोर्ड एक्टिवेटेड है। मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा इस राइट कॉर्नर वाले बटन पे और मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है फ्लोटिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कीबोर्ड मिनिमाइज़ हो गया है और फ्लोट कर रहा है। इसे मैं प्लेस कर सकता हूँ अपने स्क्रीन पे कहीं पे भी और एक हाथ से भी टाइपिंग कर सकता हूँ। फ्लोटिंग कीबोर्ड को एक्टिवेट करने का एक और तरीका है, सिर्फ कीबोर्ड पे आपको आपके थंब और इंडेक्स फिंगर से पिंच इन करना है और आपका फ्लोटिंग कीबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। इंडेक्स फिंगर और थंब से पिंच आउट करके आप कीबोर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अगला फीचर आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा कीबोर्ड जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं जैसे कि क्यू डब्ल्यू ई आर टी। अल्फ़ाबेट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं। अगर हम इन बटन्स को ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स की जगह हम नंबर्स को टाइप कर सकते हैं काफ़ी आसानी से और हमें बार बार कीबोर्ड को स्विच भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हम जाते हैं नंबर्स के सेक्शन में तो यहाँ पे भी हम सेम लॉजिक फॉलो कर सकते हैं। बटन को स्वाइप डाउन करके आप अलग अलग सिंबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे करेंसी के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। मेरा डिफ़ॉल्ट करेंसी ऑप्शन है इंडियन रुपी, लेकिन अगर मैं एंटर करना चाहता हूँ दूसरे कंट्री के करेंसीज़ को तो मुझे लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा उस करेंसी के आइकन पर और यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ दूसरे कंट्रीज़ के करेंसी को भी। अगर आप अपने मैक पे हैं और ऐड करना चाहते हैं अपना डिजिटल सिग्नेचर एक पीडीएफ पे तो वो भी आप आईपैड की मदद से कर सकते हैं। क्लिक करना है इस आइकन पे और उसके बाद चूज़ करना है ये डिजिटल सिग्नेचर वाला ऑप्शन। इसके बाद जाएंगे आईफोन और आईपैड वाले ऑप्शन में। यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑप्शन सेलेक्ट अ डिवाइस का और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हमारा आईपैड प्रो। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ मेरे आईपैड पे ऐसा वाला इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे मैं अपने एप्पल पेंसिल या अपने फिंगर से सिग्नेचर को कर सकता हूँ। प्रेस करेंगे डन पे और मेरा सिग्नेचर ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है इस पीडीएफ फाइल पे। इसको सेलेक्ट करेंगे और प्लेस कर देंगे इस पीडीएफ फाइल पे। अगला एक आईपैड का फीचर नहीं है, एक आईपैड ट्रिक है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं पीडीएफ फाइल्स पे। अगर आपके पास एक लेंथी पीडीएफ फाइल है जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 190 पेजेस का एक पीडीएफ फाइल है और अगर आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक पेजेस तो उसके लिए प्रेस करेंगे शेयर बटन पे और यहाँ से चूज़ करेंगे ऑप्शन प्रिंट का। अब जाएंगे रेंज वाले ऑप्शन में और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक रैंडम रेंज जैसे कि मैं चूज़ कर रहा हूँ 16 to 41। इसके बाद प्रेस करेंगे प्रिंटर ऑप्शन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट से लेके 15th पेज डीएक्टिवेटेड है। हम चलेंगे 16th पेज पे। अब इंडेक्स फिंगर और थंब की मदद से हम पिंच आउट का जेस्चर करेंगे। इसके बाद प्रेस करेंगे शेयर बटन पे, चूज़ करेंगे ऑप्शन सेव टू फाइल्स का और इसको सेव कर देंगे हमारे आईक्लाउड ड्राइव में। तो इस तरीके से अपने आईपैड की मदद से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कुछ पेजेस एक पीडीएफ फाइल से। तो यार ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट्स में। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबा दो। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊँगा थर्सडे को 2 मिनट थर्सडे के नए वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे ट्रिक्स जो आप कर सकते हैं सीरी के साथ। तो उस वीडियो को मिस मत करना। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।